नमस्कार दोस्तों, टिंकू लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमने रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन में 9 अगस्त रेलवे में पूछे गए फर्स्ट सीटिंग का सारे लगभग जीएस का करंट अफेयर क्वेश्चन का हमने लगभग डिस्कशन किया है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें ताकि आपको यह पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रेगुलर का पूछे गए प्रश्नों का हम रेगुलर एनालिसिस सॉल्यूशन सहित हम अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके मित्रों में हो सके। और मतलब ये क्वेश्चन आपके मित्रों को भी पता चलनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते चलिए। देखिए दोस्तों कि राजधानी से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालमपुर में है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इंड सूचकांक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट सीटिंग में। कि पहला क्वेश्चन क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सूचकांक से पूछा कि करप्शन परप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 81वां स्थान है। जहाँ तक की बात की जाए फिजिक्स का, तो वहाँ से आसान क्वेश्चन पूछा गया कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, जो हमारे सारे मित्र जानते होंगे, वाट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक रेल मंत्री मंत्री से के लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मंत्री का लिस्ट आप याद कर लीजिए ताकि आपका भी क्वेश्चन ना छूट सके कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एजम्सम वरियस पुस्तक के लेखक कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है दोस्तों। अब उपग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि जुपिटर के कितने नए उपग्रहों के बारे में हाल ही में पता चला है, तो 12 उपग्रहों के बारे में पता चला है। देखिए दोस्तों, खेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 किसने जीता है, तो रोजर फेडरर ने जीता है। जहाँ तक की बात की जाए केमिस्ट्री से, तो देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों टेकोफेरल लगभग हमारे सारे मित्र जानते होंगे, टेकोफेरल होता है। ठीक है दोस्तों। अब नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, तो आप नोबेल पुरस्कार के लिस्ट को सारे याद कर लीजिए ताकि अगले आने वाले कल के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया कि नोबेल के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में 2017 में किसे दिया गया, तो काजुओ इसुगुरो को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मुख्यमंत्री का सारे क्वेश्चन को लगभग कवर कर लीजिए ताकि अगले एग्जाम में आपका ना छूट सके। देखिए दोस्तों, नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफियो रियो है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, साइंस से आसान क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए साइंस से एक और क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो अमाशय में होता है। ठीक है दोस्तों। अब जहाँ तक की बात की जाए क्रिकेट से, तो देखिए महिला T20 विश्व कप क्रिकेट अभी किसने जीता है, तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। ठीक है दोस्तों। अब एक गवर्नर से क्वेश्चन पूछा है, तो आप गवर्नर का भी लिस्ट आसानी से याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट सके। तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित अभी वर्तमान के गवर्नर है। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका रेगुलर एनालिसिस वीडियो आपके तक पहुंच सके, और बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देखिए कोलकाता में स्थित है। तो इस तरह से आप मुख्यालय से भी रिलेटेड क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट सके। देखिए दोस्तों, एक IPL से क्वेश्चन पूछा है कि IPL कोलकाता टीम के मतलब मालिक कौन है, देखिए दोस्तों शाहरुख खान है। ठीक है दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर का एक क्वेश्चन पूछा है कि पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से लगभग पूछा गया कि भारत पाक विभाजन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो देखिए दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुद्रा से पूछा है, मुद्रा का लिस्ट आप याद कर लीजिए ताकि आप कवर कर सके मुद्रा के सारे क्वेश्चन को, कि दुनिया में कितने देशों के पास रुपये मतलब चलाए जा रहे हैं, तो अभी हाल ही में 8 देश के पास अभी रुपए चलाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक विविध से क्वेश्चन पूछा है कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की है, तो स्वामी विवेकानंद ने की है,
तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप कॉमनवेल्थ का सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ले ताकि आपको नहीं छूटे। तो कि कॉमनवेल्थ में जो 2018 में हुआ उसको ध्वजवाहक कौन है, तो पीवी सिंधु है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ का बनाए जाते हैं, तो हमने यहाँ बहुत सारे लिख रखे हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया था तो हमने लिख रखा है जिंक, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम। इनमें से जो भी आपका आंसर ऑप्शन दिया हो तो इनमें से कोई भी आप ऑप्शन टिक करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए साइंस से पूछा कि DDT का खोज किसने किया, तो पॉल मूल हरमन मूलर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिजिक्स से पूछा, काफ़ी आसान है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो इस तरह से लगभग हमने GS करंट अफेयर का लगभग और साइंस का जितना भी क्वेश्चन लगभग हमारे पास आए थे उसका एनालिसिस हमने किया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास रेगुलर पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।